नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बैंकों की खास सुविधाओं में से एक एटीएम कार्ड सर्विस आम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एटीएम के जरिए सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि अपने सेविंग अकाउंट से हम किसी भी समय रुपए निकाल सकते हैं। एटीएम सर्विस के कारण अब रुपए निकालने के लिए बैंकों का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है। साथ ही देश के किसी भी कोने में रहते हुए हम अपने अकाउंट के पैसे एटीएम के जरिए ही निकालते हैं। ऐसे में एटीएम सर्विस के तहत जब बैंक इतनी सुविधाएं देती है तो बैंक सर्विस चार्ज के रूप में खाता धारकों से कुछ शुल्क ना वसूले तो ये गलत बात होगी। खासकर कोरोना काल में एटीएम सर्विस और भी प्रभावी हुई। ऐसे में अब एटीएम सर्विस के शुल्क को बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है, जो कि 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। इसके मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरचेंज शुल्क को बढ़ा दिया है, जिससे वित्तीय लेन देन के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा चार्ज कटेंगे। यह नया रूल 1 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा। ऐसे में आपको इस वीडियो में बताते हैं कि यह इंटरचेंज शुल्क क्या है, जिससे एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो जाएगा और कितना ज्यादा महंगा होगा यह भी बताएंगे। आरबीआई ने इंटरचेंज शुल्क को बढ़ाया है। इंटरचेंज शुल्क एक तरह का फीस है जो बैंकों द्वारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लेन देन करने वाले व्यापारियों से लिया जाता है। अगर किसी एक बैंक का ग्राहक किसी दूसरे बैंक के एटीएम से अपने कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा निकालता है तो ऐसी स्थिति में जिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं वह मर्चेंट बैंक हो जाता है। ऐसे में आपके बैंक को मर्चेंट बैंक को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे एटीएम इंटरचेंज शुल्क कहा जाता है। हालांकि इंटरचेंज शुल्क की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस करने पर ही आपके अकाउंट से इंटरचेंज शुल्क कटेंगे। नए नियम के मुताबिक इंटरचेंज शुल्क को 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 बार से ज्यादा रुपए निकालते हैं तो आपके उसके अकाउंट से 1 अगस्त 2021 से 17 रुपए इंटरचेंज शुल्क के तौर पर कटेंगे। इसके अलावा अगर आप केवल बैलेंस इंक्वायरी या फिर अन्य सुविधा लेते हैं तो उसके लिए 5 से 6 रुपए तक की वृद्धि की गई है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आप महानगरों में 3 बार मुफ्त लेन देन कर सकते हैं, जबकि गैर महानगरों में 5 बार मुफ्त में वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन कर सकेंगे। इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने के पीछे एक यह भी वजह है कि कोरोना काल में कई पेमेंट ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा है, जिस वजह से एटीएम से रुपए निकालने वाले लोगों की संख्या में भी थोड़ी कमी आई है। ऐसे में बैंकों के लिए घाटा का सौदा हो रहा था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को मुफ्त मासिक सीमा से ज्यादा बार एटीएम से लेन देन करने वाले उनके ग्राहकों से ज्यादा शुल्क लेने की भी इजाजत दे दी है। सेम बैंक के एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क चुकाना पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में मुफ्त सीमा से ज्यादा बार लेन देन करने पर 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लिया जाता है। ऐसे में अब 1 अगस्त से आप अपने मासिक ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखकर ही दूसरे बैंकों के एटीएम से लेन देन करें, ताकि आप इंटरचेंज शुल्क देने से बच जाए और आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ ना हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।